चलिए ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हमने पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो किसी भी किसी स्ट्रक्चर के लिए निकाला था, जिसमें एस सी या सिंपल क्यूबिक के लिए वो आया था वो 52% था पैकिंग फ्रैक्शन, बीसीसी के लिए यही पैकिंग फ्रैक्शन 68% था, और एफसीसी के लिए यही पैकिंग फ्रैक्शन कितना था आपके 74%। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली थी। अब आ जाती है जो नई चीज। एक तो आप लोगों को मालूम हो तो जो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हो तो दो अलग बिंदुओं के मध्य एक कोई ना कोई डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जालक नियतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या लेटिस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये परफेक्ट क्रिस्टल है तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा नियत रहेगी, और इसी नियत डिस्टेंस के साथ में क्या होता है अणु या फिर जालक बिंदुओं का क्या होता रहता है, पुनरावृत्ति होती रहती है, और हमें एक क्या मिलती है, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्राप्ति होती है। तो इस अगर आपके पास में कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले दी या कोई भी क्रिस्टल ले दिया किसी पदार्थ का, और उस पदार्थ के लिए अगर आपको क्या करना हो, जालक नियतांक का मान ज्ञात करना हो, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, वो आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एक नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। एक का नहीं पूछा तो 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7.5 वाले में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, जालक नियतांक। ये पता चल गया कि आपको जालक नियतांक क्या होता है। जालक नियतांक दो जालक बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है, और किसी क्रिस्टल के लिए वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इसलिए कैसा इसे बोला जाता है, लैटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जालक नियतांक ज्ञात करना। अब जालक नियतांक को ज्ञात करना है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास में कोई भी निकाय है, माना कि हमारे पास में एक क्या है, एक घन निकाय है। जिसका जालक नियतांक क्या है, नियतांक ए है। कैसे इसको, जैसे कि देखो आपके पास ऐसा एक डायग्राम है, ठीक, ऐसा एक घन है, ठीक है, उसने बोला इनके बीच की ये जो दूरी है या फिर इनका जालक नियतांक है वो क्या है, ए। क्योंकि आप देखोगे तो ये भी एक प्रकार से क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पुनरावृत्ति से हमें क्या मिलता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो एक क्या है, यूनिट सेल है। इस इन यूनिट सेल्स की क्या होती रहेगी, पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा, तभी हमें क्या मिलेगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, उसने बोला इसका जो नियतांक है उसका मान क्या है, या फिर इन दो अलग बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है। तो इकाई कोष्ठी का आयतन क्या होगा, का आयतन ए क्यूब होगा, मतलब v बराबर क्या होगी आपकी, a। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया है, या क्रिस्टल जो भी आपने पदार्थ लिया, जिस भी अणु या परमाणु का हो, अगर उसके अंदर जो प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान वितरण किया गया है उसका घनत्व अगर रॉ हो, तथा जो क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु है या जो क्रिस्टल का द्रव्यमान है, एटॉमिक मास बोलो या फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर m हो, तथा साथ ही साथ में जो अवोगाड्रो संख्या एन है, तो उस कंडीशन के अंदर रॉ जो कि आपके घनत्व होता है उसमें द्रव्यमान संख्या और अवोगाड्रो संख्या में एक रिलेशन जो होता है, उस रिलेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जालक नियतांक का हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए, माना कि किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का घनत्व रो है, तथा उसका आणविक द्रव्यमान क्या है आपके, कैपिटल एम, तथा अवोगाड्रो संख्या क्या हो,
एन है तो रॉ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रॉ क्या होता है आपके इकाई आयतन के अंदर आपने कितने कितना द्रव्यमान वितरण किया उसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये तो आयतन घनत्व को प्रदर्शित कर रहा है, डेंसिटी को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखो, अगर हम ओनली फॉर ओनली एक यूनिट सेल के लिए लिखे तो एक यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, उस एक यूनिट सेल के एकांक आयतन के अंदर जो द्रव्यमान वितरण किया गया होगा वही रेशियो जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, इस घनत्व को। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं इसका फॉर्मूला, कोष्टिका का द्रव्यमान यूनिट सेल का द्रव्यमान अपॉन क्या आ जाएगा, कोष्टिका का आयतन। यही होगा। अब देखो, अब रॉ का मान हम क्या ले सकते हैं, देखो कोष्ठिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है एक कोष्ठिका, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे परमाणु होंगे या अणु होंगे, और अगर हमको आणविक द्रव्यमान मालूम है तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल के अंदर अगर सिंपल क्यूबिक ले तो एक परमाणु होता है। ठीक है, अगर हम एबीसी से ले तो दो परमाणु और एज एफसी से ले तो चार परमाणु। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हम एक क्रिस्टल कोष्ठिका का अगर हम द्रव्यमान लिखना चाहें तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके एटॉम जो मॉलिकुलर मास है उसमें अवोगाड्रो संख्या का डिवीजन कर देंगे, और साथ ही साथ में जितने उसके अंदर परमाणु है उन परमाणु या अणुओं की संख्या के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके अंदर उपस्थित कोष्ठिका का उपस्थित या फिर परमाणुओं का द्रव्यमान या फिर जो यूनिट सेल आपको दी गई उस यूनिट सेल का कितना मास है उसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि आप देखोगे एटॉमिक मॉलिकुलर मास जो दिया हुआ है उस मॉलिकुलर मास के अंदर आप नंबर ऑफ एटॉम्स को डिवाइड करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, उसका एटॉमिक मास के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, एम अपॉन एन आपको एक एटम का मास मिल जाएगा मल्टीप्लाई एटम की संख्या अपॉन एक कोष्ठिका का आयतन क्या है, ए क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये एम क्या है अपॉन एन एक अणु का द्रव्यमान, वो कैपिटल एम पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डायग्राम। अगर आपको एक, क्योंकि एक एटम का जो द्रव्यमान लिखोगे तो वो क्या होगा, आप टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें जितने भी अणु या परमाणु है उनका डिवीजन कर दो तो आपको एक अणु के द्रव्यमान के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, एन क्या है इसमें, जालक बिंदुओं की संख्या, किसके अंदर दी गई क्रिस्टल संरचना में, ठीक है। अगर आप देखो, आप अगर एम ग्राम में क्या लेते हो, एन अणु या परमाणु लेते हो, ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, एम अपॉन एन ग्राम होगा, कैसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको ज्ञात किसका मान ज्ञात करना है, एक क्यूब का जालक नियतांक का मान ज्ञात करना है। तो जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए ए क्यूब को क्या भजोगे उधर की तरफ, ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपके, एम एन अपॉन एन रॉ, ए बराबर क्या आ जाएगा आपके, एम स्मॉल एन कैपिटल एन रॉ की पावर ऑन। इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी आपके पास में अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दी हुई हो तो उस कंडीशन के अंदर अगर पदार्थ के बारे में बोला हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस फॉर्मूले की सहायता से आप सीधा उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसके जालक नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हो। एन जो होगा वो क्या होगा आपके क्रिस्टल में इकाई या एकांक कोष्ठिका में जालक बिंदु या
परमाणुओं की क्या है, संख्या है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। रॉ क्या है, आपके पास में जो क्रिस्टल दिया गया है, जिस पदार्थ का वो क्रिस्टल है, वो उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, और एम इसका आणविक मास, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर लैटिस कांस्टेंट का मान इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका नया टॉपिक, मिलर इंडिसेस या मिलर सूचकांक। पहली बात तो ये कि मिलर सूचकांक होता क्या है, वो आप मालूम होना चाहिए। ठीक, अब देखो वैसे पढ़ा हुआ है, फिर भी वापस देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपने इससे पहले काफी बार इसको पढ़ा होगा। जैसे कि आपको मालूम है कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में अपने जैसे ही परमाणु होकर उसके अंदर क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पुनरावृत्ति होती रहती है। उस कंडीशन में क्या है कि जब आपके पास में एक कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा, परमाणु या फिर जालक बिंदुओं का एक निश्चित क्रम में क्या होगी, व्यवस्था होगी। इस निश्चित क्रम की व्यवस्था में अगर जालक बिंदुओं के ऊपर से कोई तल गुजरता है ना, जैसे कि ये वाला तल गुजरा, ये तल गुजरा, ये तल गुजरा, या फिर ऐसे कोई एक आपके पास में तल निकल जाए, या फिर ऐसे कोई एक आपके पास में तल निकल जाए, ऐसे निकल जाए, ये सब क्या है, एक दूसरे के समांतर तल है। तो ये जब जालक बिंदुओं के ऊपर से कोई भी तल गुजरता है ना, तो उस तल को क्या बोलते हैं, जालक तल बोलते हैं। और आपको मालूम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की क्या होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है। मतलब आपके पास में एक एकक कोशिका है, तो उसके ऊपर दूसरी होगी, उसके ऊपर तीसरी होगी, ऐसे सारी मिलकर क्या बनाएगी, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो आपके पास में ये जो जालक तल होते हैं, इनके इनके इनका एक आपके पास में क्या होता है, एक समांतर तल समूह होता है, ठीक है ना। अब आप देखोगे तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके पास में जालक तल है, ठीक है, एक तो ये वाला, एक कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दो प्रकार के, ठीक है। अब देखो दोनों कहीं पे काट रहे हैं, नहीं काटेंगे, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं एक तो जालक तल क्या होते हैं, दूसरा जो जालक तल होते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, उनका क्या होता है, एक समांतर तल के रूप में समूह उपस्थित होता है। और साथ ही साथ में इस समांतर तल समूह के अंदर जो प्रत्येक तल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होता है। साथ ही साथ में इन तलों के ऊपर क्या होते हैं, उस क्रिस्टल के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जालक तल जो होता है वो एक ऐसा तल होता है जो कि क्या होता है, जालक बिंदुओं के उससे के ऊपर से होकर गुजरने वाला होता है, जिसके ऊपर ही क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु होते हैं। क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक कोशिकाओं की पुनरावृत्ति या जालक बिंदुओं के एक तल की क्या होती है, पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पे हमें जो जालक तल मिलते हैं वो समांतर तल के समूह के रूप में मिलते हैं। और प्रत्येक समांतर तल समूह के अंदर आपको एक क्या मिलेगा, एक तल मिलेगा। मतलब अलग अलग तल होते हैं जो कि एक समांतर तल समूह का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक तल जो होता है वो अन्य तलों के क्या होता है, समांतर होता है। क्योंकि एक जालक, एक कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें एक ही प्रकार का जालक तल नहीं होगा, आपके पास समांतर तल समूह नहीं होगा जालकों का, एक से अधिक होता है, लेकिन वो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। और दूसरी चीज ये कि अगर हम इन समांतर तल समूह से किसी भी एक तल को उठा ले, ठीक है, किसी भी एक तल को हम क्या कर ले, इसमें से उठा ले या फिर इसको हटा दे, और इस तल की दिशा को जिस पूर्णांकों के समूह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे बताते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, मिलर अंक या क्या कहलाते हैं, सूचकांक कहलाते। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो
डेफिनेशन के रूप में आप लिखते जाओ इसके अंदर, क्योंकि आपको इतना तो पता चल गया कि जो ये निर्देशांक क्या, ये जो निर्देशांक होंगे या समूह सेट होंगे, सेट के अंदर जो अलग अलग ये जो इस सेट का इस तल को प्रदर्शित करने के लिए जो ठीक है, तो इसको मिले इंडिशियंस को किसके द्वारा, उस तल के पूर्णांक जो स्थल को जिन दिशा के अंदर हमने रखा है उस दिशा के अंदर जो उनके दिशा को प्रदर्शित करने वाले जो पूर्णांक होंगे उन पूर्णांकों का समुच्चय ही क्या होगा आपके मिले इंडिशियंस को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो, मतलब इसको समझाने के लिए आप कैसे लिख सकते हो। मान लो कि किसी भी जालक में से भिन्न भिन्न जालक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला तल जो होता है, तल देने वाले तलों को चालक तल कहते हैं। ठीक है, और इन तलों पर ही आपके क्या होते हैं, क्रिस्टल के परमाणु उपस्थित होते हैं। इन तलों को हम क्या कर सकते हैं, कई ढंगों से क्या कर सकते हैं, कई ढंगों या तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो दो तरीके इसको अब आप देखोगे ना, इनका जो व्यवहार होगा वो दो तरीके, एक आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, अब यहाँ से जो एकक कोशिका होगी तीन प्रकार की संरचना उसके अंदर से लेके भी आप व्यवस्थित प्रदर्शित कर सकते हो कि इस तरीके से भी वो समांतर हो सकते हैं, तलों के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि मान लो एक इस तरीके से हो सकते हैं, ऐसा सेट भी हो सकता है नंबर एक जालक तलों का, ऐसा सेट भी हो सकता है, इस तरीके का भी सेट हो सकता है, फोर्थ आपके पास इस तरीके का भी सेट हो सकता है। इन ये सारे के सारे क्या है, समांतर तल समूह किनके, जालक तलों के। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखोगे तो देखो ये वाला तल कैसा होगा, इस तरीके का हो गया, फिर ये खड़े वाले तल ये इस तरीके से हो गया ये, तो आप देखोगे ना, तो किसी भी तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से ले लो या कैसे ले लो सारे के सारे, क्योंकि आप देखोगे ऐसे की ऐसी किसी स्ट्रक्चर ऊपर भी होगी, मतलब ऐसी यूनिट सेल ऊपर होगी नीचे होगी दाएं होगी बाएं होगी सारी जगह होगी, तो उनकी वजह से क्या होगा कि आप देखोगे इनके अंदर भी कुछ जालक बिंदु होंगे जो कि क्या करेंगे आगे से आगे इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर की क्या करते रहेंगे, पुनरावृत्ति करते रहेंगे, और उससे क्या होगा आप लोगों को अलग अलग प्रकार के ये तल मिलेंगे। और ये जो तल होते हैं एक कोशिका में ऐसे कई समांतर तल होते हैं, क्योंकि एक तल नहीं होगा, क्योंकि एक एक कोशिका किसी क्रिस्टल में होगी नहीं, कहीं पर कई एक कोशिका होगी किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जब कई एक कोशिका होगी तो आपके पास में ऐसे जो तल होंगे कई ऐसे समांतर तल होंगे जो कि क्या होंगे प्रत्येक जालक बिंदु से क्या होंगे इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जालक बिंदुओं से होकर गुजरेंगे, जब ये तल इन जालक बिंदुओं के से होके गुजरते हैं तो एक जैसे जो तल होते हैं एक दूसरे के समांतर तल होते हैं वो क्या करते हैं एक समांतर जालक तल का निर्माण करते हैं, उस समांतर जालक तल में से किसी एक तल को अगर हम लेकर उसकी दिशाओं को जिन पूर्णांकों के समूचे द्वारा व्यक्त करते हैं वही समूचे जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, मिलर इंडिसेस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर आगे और क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, अतः किसी
इकाई कोष्टिका में क्या होता है, में कई समांतर तल समूह उपस्थित होते हैं। प्रत्येक तल समूह में कई समांतर हैं। देखोगे ये एक तल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। अब ये देखो ये चारों तल एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और ये जो पूरा का पूरा सेट है ये क्या कहलाता है, समांतर तल समूह कहलाता है। ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि दो समांतर तल समूह कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। दो समांतर तल समूह कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या होती है, दिशाएं भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि ये अलग अलग दिशाएं होगी। अब इसमें से किसी भी समांतर तल को, तल की अगर हमें दिशा को ज्ञात करना है, कि दिशा को क्या किया जाता है, पूर्णांकों के समुच्चय द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये होगा तो इसको भी क्या किया जाएगा, किसी न किसी निर्देशांक या किसी न किसी इंटीजर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जिसमें ए बी और सी ये वैल्यू जो होती है क्या होती है, लेटिस कांस्टेंट, सॉरी ये जो पूर्णांक जो होते हैं ना, जो भी आपके पास ना एच के एल W1 0 इनफाइनाइट वगैरह, ये जो सेट होता है ना, ये सेट आपका क्या कहलाता है, मिलर इंडिसेस कहलाता है। इन तीन पूर्णांकों का समुच्चय ही क्या होता है, ही मिलर अंक। उन्हीं अंकों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उस तल को पद तल, वो जो तल होगा उस तल को जिन निर्देशांक या जिन पूर्णांकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस पूर्णांकों के सेट के द्वारा, वही सेट जो होता है पूर्णांकों का, वो आपका क्या कहलाता है, मिलर अंक कहलाता है। अब देखो मिलर अंक को किसी स्ट्रक्चर के तलों के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो तल होंगे उनको तो क्या किया जाएगा, लैटिस कॉन्स्टेंट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उन लैटिस कांस्टेंट की सहायता से कैसे आप मिलर सूचकांक प्राप्त करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि देखो इसके मैंने पांच स्टेप है, उन पांच स्टेप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मिलर सूचकांक को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी एक सेट लिया, ठीक है, तो इस सेट में आपको मालूम है कि जो भी तल होगा वो क्या करेगा, क्रिस्टल अक्षों को काटेगा। जैसे कि मान लो आपके पास में ये डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या होंगी, ये सारी की सारी क्या है, क्रिस्टल अक्षेज है। ठीक है। तो उस कंडीशन में वो तल समूह जो होगा वो क्या करेगा, आपके इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को काटेगा एक दूसरे से। ठीक है ना। तो आपको क्या है, सबसे पहले एक तल लेना है, वो तल क्या करेगा, क्रिस्टल अक्षों को के कटान बिंदु पे ये क्या करता है, अंतःखंड बनाता है।
जहां जहां पे वो उसको कट करेगा वहां से उन सभी बिंदुओं को अपन आपस में उन डिस्टेंस को आपस में उस कल के तीनों लेंथ को आपस में अगर हम तीनों सेट या जो तीन पूर्णांक उनको आपस मिलाएंगे तो ये जो तल मिलेगा ना वो एक किसके रूप में होगा, अंतःखंड के रूप में व्यक्त किया जाएगा। या फिर एक तल जो कि अलग अलग कटान बिंदुओं से कट रहा है वहां से आपको एक क्या मिलेगा, अंतःखंड प्रणता या अंतःखंड की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस अंतःखंड के ऊपर जो जालक नियतांकों को हम क्या करते ए बी सी के गुणांकों के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लो ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, तो यहां से ओ ए का मान क्या होगा, जरूरी नहीं ये वैल्यू ए के बराबर, मान लो ये किसी और कांस्टेंट इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में है पी ए, ओ बी क्या है आपके क्यू बी के रूप में, ओ सी क्या है आपके आर सी के रूप में, क्योंकि आपको मालूम है मिलर जो आपके लैटिस कांस्टेंट होते हैं वो ए बी सी के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो आपको मालूम है एक्स अक्ष के अंदर लैटिस को आप अगर ए से करते हो, वाई से, बी से, और सी जो जेड अक्ष है उसको सी से करो, तो उस कंडीशन के अंदर जरूरी नहीं हमेशा इस लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू ए ही रहे, वो क्या हो सकती है ए से ज्यादा हो सकती है, टू ए के रूप में हो सकती है, थ्री ए के रूप में हो सकती है, फोर ए के रूप में हो, किसी में भी हो। तो उसके लिए हमने इसको क्या लिखा पी ए क्यू बी आर सी के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे, थर्ड पॉइंट है आपका इसके अंदर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट तो आपको क्या करना होता है समूह तल समूह में से आपको क्या करना होता है, ऐसे एक तल लेना होता है और उसके उस तल में हम क्या करते हैं स्थल अक्षों के कटान बिंदु से एक अंतःखंड बनाते हैं। फिर उस अंतःखंड के ऊपर जालक नियतांकों को गुणांकों के रूप में जो भी उसके जालक नियतांक होंगे या लैटिस कांस्टेंट होंगे उसके मिडिल पॉइंट से लेके या फिर उसके मूल बिंदु से जो दूरी के सापेक्ष, उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे उसका एक कटान कटान बिंदुओं के ऊपर एक अंतःखंड का निर्माण करेंगे। अंतःखंड का निर्माण होने के पश्चात जो ये एबीसी आपने जो लिए, ठीक है, गुणांकों का हम क्या लेंगे, का व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा वन अपॉन पी, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन आर। ठीक है, अब ये आपने जो गुणांक लिए इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इन गुणांकों को इन व्युत्क्रम गुणांकों को हमको क्या करना पड़ेगा, इन व्युत्क्रम गुणांकों को न्यूनतम पूर्णांक के रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, न्यूनतम पूर्णांक के रूप में जब हम इसको व्यक्त करते हैं तब तो हमें जो समूचे मिलता है तब प्राप्त पूर्णांक समूचे को क्या बोलते हैं, मिलर अंक कहते हैं। मतलब ये जो होते हैं वो क्या होते हैं एच के एल मिलर इंडिसेस को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है मिलर अंक कहते हैं। देखो कैसे इनको स्मॉल पूर्णांक के रूप में बदलेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास में ऐसे 1/2, 1/4, 1/2 के रूप में ये मान है, तो उस कंडीशन में मान लो कि ये a का मल्टीप्लिकेशन था 2a, b का जो था 4b था, c का था 2a 2c था, तो अब इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनके गुणांकों को आपको क्या करना पड़ेगा व्युत्क्रम के रूप में लिखोगे 1/2, 1/4, 1/2। अभी भी ये मिलर अंक नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा स्मॉल इंटीजर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या लोगे, लसव लोगे, तो लसव आपके चार आया। ठीक है, चार आया तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 2 1। तो
ये आपके क्या हो जाएंगे इसके मिलर अंक। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास लैटिस कांस्टेंट होगा उस लैटिस कांस्टेंट के आगे जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपके जो पूर्णांक होगा उसका पहले व्युत्क्रम लो, व्युत्क्रम लेके फिर उसको क्या करो पूर्णांक के रूप में बदलोगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी मिलर अंक या फिर मिलर सूचकांक कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है तल आपके पास में होंगे क्या, या फिर आपके पास में क्या दिए होंगे लैटिस कांस्टेंट के रूप में कुछ तल दिए जाते हैं, उन तलों की सहायता, उन तलों को लैटिस कांस्टेंट के जो तल होते हैं उन तलों के अगर हमको मिलर अंक ज्ञात करने हो तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, यदि आप मिलर अंक ज्ञात कर रहे हो और किसी तल के सापेक्ष या किसी अक्ष के सापेक्ष अगर आपको पूर्णांक का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव पार प्राप्त हो रहा हो, जैसे कि माइनस की बी आ जाए या माइनस के सी आ जाए या माइनस के आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अक्ष जो है या फिर इस इन लैटिस कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में जो अक्ष होगा वो क्या होगा ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश होगा, या ना यहाँ पे जो कटान बिंदु होगा इनके सापेक्ष वो क्या होगा ऋणात्मक अक्ष के अनुदिश होगा। माइनस एक्स में हो सकता है, माइनस वाई या माइनस जेड किसी भी अक्ष के अनुदिश हो सकता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके आगे का जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आपको अलग अलग कोई भी तल दे दे जिसके आपको क्या मालूम हो लैटिस कांस्टेंट मालूम हो तो उन लैटिस कांस्टेंट की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना हो मिलर सूचकांक कैसे ज्ञात करोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे।